बिहार पंचायत चुनाव 2021 का ईवीएम का मामला सुलझ गया है। विभाग ने तैयारी कर दी है तेज। 20 अप्रैल के बाद बिहार में कभी भी जारी हो सकती है अधिसूचना। मल्टी पोस्ट और सिंगल पोस्ट ईवीएम पर दोनों के बीच बनी सहमति। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। अभी पंचायत चुनाव के लेकर बहुत ताजा अपडेट है, ब्रेकिंग न्यूज यह है कि चुनाव की अधिसूचना घोषित हो सकती है, कभी भी चुनाव हो सकता है। जैसा कि आपको पता है कि मल्टी पोस्ट ईवीएम और सिंगल पोस्ट ईवीएम को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग और केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बीच पेच फंसी हुई थी। मामला हाई कोर्ट तक गया था, 7 बार सुनवाई का मामला टला, 2 बार बैठकें हुई, लेकिन मामला सुलझ नहीं पा रही थी। ऐसे में यह कयास लगाया जा रहा था कि चुनाव इस बार बैलेट पेपर से होगा क्या, लेकिन बुधवार को दिल्ली में राज्य निर्वाचन आयोग और केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बीच बैठक हुई, एक सार्थक बैठक हुई। इसमें यह फैसला लिया गया, सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि बिहार पंचायत चुनाव ईवीएम से होगा, क्षमा करेंगे, ईवीएम से होगा। और वह जो दोनों के बीच जो सहमति बनी कि क्योंकि कम समय में मल्टी पोस्ट ईवीएम की आपूर्ति नहीं हो सकती है, इसलिए सिंगल पोस्ट ईवीएम से ही चुनाव होगा, जिस ईवीएम से विधानसभा और लोकसभा की चुनाव होती है। गुरुवार को राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने आयोग के अधिकारियों के साथ पुनः मुलाकात की। इस मुलाकात में यह तो तय हो गया है कि ईवीएम से ही होगी, सिंगल पोस्ट ईवीएम से, लेकिन ईवीएम की आपूर्ति कैसे होगी, उसकी संख्या कितनी होगी, इन सारे मुद्दों पर चर्चा हो चुकी है। और जल्द ही जो है से राज्य में चुनाव की घोषणा हो सकती है, आदर्श आचार संहिता लागू हो सकती है। इसकी तैयारी को लेकर जिले के राज्य के सभी जिले के डीएम को निर्देश दिया गया है। वह निर्देश यह दिया गया है कि जो नवगठित ग्राम पंचायत हैं, उनकी वास्तविक स्थिति, अभी की वस्तु स्थिति क्या है, उसकी रिपोर्ट भेजे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि इस बार बहुत सारे जो इलाके जो है से नगर इकाई में शामिल किए गए हैं, नगर पंचायत बनाया गया है, जिसके कारण लगभग 300 पंचायतों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में कितने पंचायत बच गए हैं, उसकी पूरी रिपोर्ट जो है से राज्य निर्वाचन आयोग ने डीएम से मांगा है, पंचायतों की वर्तमान स्थिति पर डीएम से मांगी रिपोर्ट। अगर हम चुनाव आयोग के सूत्रों की माने तो बिहार में चुनाव को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया गया है। इसके तहत 20 अप्रैल तक सभी जिले के इकाइयों तक जिला निर्वाची पदाधिकारी को सख्त आदेश दे दिया गया है। जो पूरा करना है काम, वह काम है पंचायतों में मतदाता सूची के प्रकाशन का। जो नए मतदाता सूची है उसको प्रकाशन 20 अप्रैल तक कर लेना है, उसके बाद ही चुनाव की घोषणा होगी। 20 अप्रैल तक जो नए मतदाता सूची है, जो नए नाम जुड़ना होगा, और विधानसभा के मतदाता सूची से मतदाओं का विखंडन वार्ड वाइज हो जाएगा, उसके बाद ही चुनाव की घोषणा की जाएगी। आयोग ने डीएम से नवगठित पंचायतों की वर्तमान स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस बार जो बिहार में बहुत सारे सैकड़ों पंचायतों का अस्तित्व संकट में है, अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनके इलाके नगर पंचायत या नगर निगम में शामिल किए जा चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में जो इलाका बच चुका है उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, उसकी सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक जातीय स्थिति क्या है, इसकी रिपोर्ट मांगा है राज्य निर्वाचन आयोग ने। और वोटर लिस्ट के प्रकाशन अविलंब करने के लिए कहा गया है, ताकि समय पर पंचायत चुनाव की घोषणा हो सके। आपको हम बता दें कि एक बड़ी खबर पटना से आ रही है कि पंचायत पटना जिला के 13 पंचायतों और 260 वार्डों में चुनाव नहीं होंगे।
इस खबर पर हम नजर बनाए हुए हैं कि वो कौन कौन से पंचायत है और कौन कौन से वार्ड है जहां इस बार पंचायत चुनाव नहीं होगी। तो दोस्तों यह थी ताजा अपडेट। जैसा कि और लोग कह रहे हैं कि 25 अप्रैल को अधिसूचना जारी हो जाएगी, 5 चरण में होगा 7 चरण में होगा, ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई है। जो भी अभी ताजा अपडेट यही है कि 20 अप्रैल तक मतदाता सूची के प्रकाशन हो जाने के बाद ही चुनाव की घोषणा की जाएगी। तो दोस्तों यह थी अब तक की ताजा अपडेट। अब अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।